इबादत समझ लें अखलाक को सवारने के लिए वाजिब की गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सजदों का मोहताज नहीं है, हमारे रुकू और सुजूद का मोहताज नहीं है, हमारी तस्बीह तकबीर और तहलील का मोहताज नहीं है। अल्लाह पाक की किब्रियाई बेनियाज है हमारी इबादतों से। उसने इबादतें हम पर जो फर्ज की हैं इसलिए की है कि इबादतों से हमारे अखलाक बदलें, हमारी सीरतों में उमदगी पैदा हो, हमारे अखलाक में नरमी पैदा हो।